हे गाइस, मैं हिमांशु रानी आपका स्वागत करता हूं फर्स्ट क्लास एजुकेशनल में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर वीडियो देखेंगे 18 मई 2019 का। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर में ही पता चलेगा। पहले से गैस करना कि पेपर में आने वाला है नहीं आने वाला, हम लोग कोई पंडित नहीं है एजुकेशन के मामले में जो हम लोग गैस करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन 2019 का चल रहा है, तो उसका 7th और लास्ट फेज होने वाला है, तो किस दिन होगा ये आपको कमेंट इसका आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, वो 19 मई को इसका लास्ट और फाइनल वोटिंग राउंड होगी ऑल ओवर द इंडिया में, जो 7th फेज इलेक्शन है बिगन होगा। और ये बेसिकली 17वां लोकसभा इलेक्शन है हमारे इंडिया में, ये पार्लियामेंट्री की सारी सीटों के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन किस दिन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट ऑफ जनरल इलेक्शन 2019 का, तो ये है 23 मई को। 23 मई को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, जो पूरी सीटों को मिला के 543 सीटों के लिए जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा था वो सब डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कौन से स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें काइंडहुड अवार्ड दिया गया है बाय द प्रिंस चार्ली, ठीक है, मई 16 को, तो वहाँ पे जिनका नाम है वो है सर एंडी मॉरे। इन्हें दिया गया है 16 मई 2019 को काइंडहुड का अवार्ड, इन्होंने रिसीव करा है बाय द प्रिंस चार्ली एंड प्रिंस वेल। ये एक इन्वेस्टर सेरेमनी थी वहाँ पे हुआ था ये, ठीक है। और ये बेसिकली इन्हें रिकॉग्नाइज करा जाता है ऑफिस एज अ सर्विस टू टेनिस और चैरिटी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है, आपको पता होगा कितना फेमस अवार्ड है सासाकावा अवार्ड 2019। ये सासाकावा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को भी मिल चुका है, तो आपको बताना है 2019 में ये प्रेस्टीशियस अवार्ड किसको दिया गया है, तो उनका नाम है वो है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। ये बाय द दिया गया है यूनाइटेड नेशन के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो ऑफिसर है उनको दिया, उनके से दिया गया है ये सासाकावा अवार्ड 2019 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता होगा टेलीकम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वीडियो भी बनती है तो बाय द टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस से बनती है, तो इंटरनेट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है वो 17 मई को, जिससे इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए यूज ऑफ इंटरनेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऑल ओवर द सोसाइटीज, ठीक है, जिससे इकोनॉमिकली ट्रेड और डिजिटलाइज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता होगा ICC वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इंडिया से एक पर्सन का नाम गया फॉर द कम्युनिकेटर के लिए, तो बताना क्या नाम है उनका, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट, वो है गौरव गांगुली। गौरव गांगुली को एज अ वहाँ पे लिस्ट पे नाम दिया गया है एज अ कमेंटेटर के लिए, ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 2019 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता होगा कांग्रेस के एक फॉर्मर लीडर थे, उनकी डेथ हो गई 17 मई को, और 5 बार MLA बन चुके हैं एक हमारे प्यारे सी भारत की प्यारी सी स्टेट से, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कहाँ से बने, वो है केरल से ये बन चुके हैं 5 बार, और इनकी डेथ भी हो गई है, उनकी एज थी 87, और ये 5 बार वहाँ से जीते हैं, इन्होंने केरल के लिए बहुत ज़्यादा काम करा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है कि आपको पता होगा नेटफ्लिक्स स्पेशल कितना फेमस है, वहाँ पे एक शो होता है विद बाय जो होस्ट करते हैं बाय डेविड लेटरमैन, तो उसके साथ हमारे एक इंडियन एक्टर वहाँ पे भी कोलोबरेट करेंगे ऑन अमेरिकन TV में, तो बताना कौन से एक्टर हैं, वो है ऑप्शन डी करेक्ट, यहाँ पे शाहरुख खान कोलोबरेट करेंगे विद द अमेरिकन टॉक शो जिसको होस्ट करते हैं डेविड लेटरमैन, किसमें नेटफ्लिक्स स्टैंड स्पेशल में, ठीक है। ये एक डेप्थ कन्वर्जेशन होती है बिटवीन ओनली द 2 पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता होगा पहली बार एशिया में ऐसी कोई कंट्री है जिन्होंने अप्रूव कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के लिए, ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है एशिया में, तो वो है ताइवान। ताइवान के पार्लियामेंट पे इसको लीगलाइज कर दिया गया है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, ये एक ह्यूज विक्ट्री है LGBT कम्युनिटी के लिए, ठीक है, बाय द आइलैंड नेशन से। आपको बताना है, आपको पता होगा फुटबॉल चलने वाला है, तो इंडियन मैन सीनियर फुटबॉल टीम के हेड कोच अपॉइंट कर दिए गए हैं 2 साल के लिए, तो उनका नाम बताना, वो है ऑप्शन ए इगोर स्टमा, ठीक है, इन्हें अपॉइंट करा गया है 2 साल के लिए, इनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है, कोचिंग का भी है, स्ट्रगलिंग का भी है, ये डेवलप भी करते हैं प्लेयर्स को, ठीक है, ट्रेनिंग भी देते हैं, ये इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन कारण इनको 2 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। ये है पूरी डेडिकेटेड वीडियो, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके दीजिए,
हम लोग उसकी एक डेडिकेटेड कंप्लीट एनालिसिस के साथ वीडियो बनाएंगे। हम लोग का डेली करंट अफेयर वीडियो आती रहती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पेपर में ही पता चलेगा। डेली सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करंट अफेयर देखना पड़ता है कि हाँ भाई तैयारी हो रही है। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज इज पावर।